गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर बच्चों? प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने बहुत सारे टाइप्स के कंप्यूटर सिस्टम के टाइप्स देखे। कंप्यूटर क्या होता है, प्लस इनपुट डिवाइस क्या होती है ना, पार्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर क्या होता है, क्लियर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब हम आज क्या कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस टॉपिक को भी हम पहले से पढ़ रहे हैं, है ना, पहले से पढ़ना इन द सेंस हमने लास्ट लेक्चर में आउटपुट डिवाइस एक्सप्लेन किया था, है ना, आउटपुट डिवाइस क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। अब उस आउटपुट डिवाइस में हमने उसके टाइप्स देखे थे, उसके 4 टाइप्स थे, मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लोटर एंड स्पीकर। तो बच्चों हम आपको बता दें कि मॉनिटर एंड स्पीकर हम देख चुके थे, ठीक है, इसमें हमने समझ लिया था कि वो होते क्या है। बट बच्चों आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम प्रिंटर और फ्लोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस, है ना, और आउटपुट डिवाइस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे प्रिंटर। अब बच्चों आई होप सो कि प्रिंटर मुझे आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, है ना, क्योंकि आप प्रिंटर के बारे में जानते हो, हर जगह से प्रिंट निकालते हो, रिजल्ट निकालते हो, स्कैन करते हो, ठीक है, तो आपको प्रिंटर क्या। लेकिन इन द वर्ड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के वर्ड में प्रिंटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस तरह से वर्क करता है, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। अब प्रिंटर की इमेज मैंने आपको पहले ही दिखा दी है बच्चों, है ना, आपको टॉपिक के आगे ही क्या दिख रहा है, प्रिंटर दिख रहा है, क्लियर। चल अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम। अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू पेपर। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें अगर, तो प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर से टेक्स्ट और ग्राफिक आउटपुट को स्वीकार करता है और सूचना को कागज पर स्थानांतरित करता है। क्लियर बच्चों, क्या है प्रिंटर? तो प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, किस पे, पेपर के ऊपर, ठीक है। चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं। इन कंप्यूटिंग अ प्रिंटर इज अ पेरिफेरल मशीन विच मेक अ प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक्स और टेक्स्ट यूजफुली ऑन पेपर वाइल मोस्ट आउटपुट इन ह्यूमन रीडेबल बारकोड प्रिंटर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडेड यूज ऑफ फॉर प्रिंटर्स। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें अगर, कंप्यूटिंग में एक प्रिंटर एक परिधीय मशीन है जो आमतौर पर कागज पर ग्राफिक्स या टेक्स्ट का लगातार प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, जबकि अधिकांश आउटपुट मानवीय पठनीय है जो कोड प्रिंटर में वास्तविकता उपयोग का एक उदाहरण है। मतलब कंप्यूटर में प्रिंटर क्या है, एक पेरिफेरल डिवाइस है, मतलब एक हार्ड आउटपुट डिवाइस है जो क्या करती है, ग्राफिक्स या फिर टेक्स्ट को क्या करती है, रीडेबल फॉर्मेट में एक पेपर के ऊपर, है ना, बारकोड की मदद से क्या करती है, डेटा को प्रिंट करके देती है। क्लियर स्टूडेंट? जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे हम प्रिंटर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, मतलब प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं। तो सारे प्रिंटर्स को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रिंटर का एक ड्रॉ जिसमें आपको क्लियर हो। तो देखिए बच्चों, प्रिंटर जो होता है वो 2 तरह का होता है, पहला होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। आप इम्पैक्ट प्रिंटर देखें तो इम्पैक्ट प्रिंटर फर्दर इज 2 टाइप्स, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो 2 तरीके का होता है, कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर में डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर, वैसे ही लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट अगर एग्जांपल बताती हूँ बच्चों, तो आप देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब कैरेक्टर में 2 तरह से, कैरेक्टर प्रिंटर जो कि किसी भी चीज़ को क्या करता है, कैरेक्टर से प्रिंट करता है
है ना, उसी का एक टाइप है डेजी व्हील प्रिंटर। देन टाइप होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। अब क्या नाम है डॉट मैट्रिक प्रिंटर का, मतलब वो चीज़ों को कैसे प्रिंट करता है डॉट से। नेक्स्ट आपका ट्राइंग है लाइन प्रिंटर, जो लाइन के अकॉर्डिंग डेटा को क्या करता है प्रिंट करता है। और उसका फर्दर टाइप है ड्रम प्रिंटर, जो क्या करता है डेटा को ड्रम के आकार में प्रिंट करता है। देन फिर टाइप है इसका चेन प्रिंटर, जो क्या करता है चेन बना के डेटा को क्या करता है प्रिंट करता है। अब प्रिंटर का अगर हम अदर टाइप की बात करें तो अदर टाइप ऑफ प्रिंटर होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये तीन तरह के प्रिंटर होते हैं, लेज़र प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ठीक है, अब ये लेज़र प्रिंटर लेज़र लाइट के थ्रू प्रिंट करता है, क्लियर। इंजेक्ट प्रिंटर जो है वो इंजेक्ट मतलब इनके थ्रू डेटा को प्रिंट करता है। और एक नया प्रिंटर आया है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, थर्मल प्रिंटर। अब बच्चों बुक की बात करें तो बुक में दो ही तरह के प्रिंटर दे रखे, लेज़र प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर, बट मैंने इसमें आपको थर्मल प्रिंटर को भी डिस्क्राइब करके बताया है, क्लियर। चलिए अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर की एक डेफिनेशन, द इम्पैक्ट प्रिंटर यूज अ हार्म्स और प्रिंटिंग हार्ड टू प्रिंट द कैरेक्टर और इमेज ऑन टू द पेपर। द हार्मर ऑफ प्रिंट हैड स्ट्रिक और प्रेसेस अन इंक रिबिन अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट कैरेक्टर एंड इमेजेस। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर या इमेज को पेपर पर प्रिंट करने के लिए हेमर या प्रिंटर हेड का उपयोग करता है। पात्रों और छवियों को मुद्रित करने के लिए हथौड़ा या प्रिंट सिर कागज के खिलाफ एक शाही रिबिन पर हमला करता है या दबाता है। मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है बच्चों, तो इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो क्या करता है किसी भी कैरेक्टर प्रिंटर को, इमेज प्रिंटर को, एक पेपर पे किसके हेमर के द्वारा क्या करते हैं, एक इंक रिबिन होती है उसके द्वारा क्या करता है पेपर पे कैरेक्टर को प्रिंट करता है, जिसको हम कौन सा प्रिंटर बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया, इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरह के होते हैं, कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर। तो पहले हम पूरा कैरेक्टर प्रिंटर पर डिस्कस करेंगे, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, वो भी अपन देख लेते हैं, है ना। पहला क्या है, वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, बहुत कम उपभोज्य लागत, बहुत शोर भरकम, मतलब वेरी इसकी जो लास्ट होती वेरी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। सेकंड क्या है, वेरी नॉइजी, है ना, मतलब लागत के कारण थोक मुद्रण के लिए मतलब नॉइज़ ज़्यादा होती है। यूज़फुल फॉर बल्क प्रिंट ड्यू टू द लोस्ट कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट क्या होती है वो थोड़ी लो होती है। देयर इज़ फिजिकल कंटेंट विद द प्रॉपर पेपर एंड प्रोडक्ट एज अ इमेज, मतलब फिजिकली चीज में क्या करता है ये पेपर पर कंडक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है भैया कैरेक्टर प्रिंटर। तो देखिए कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम और विद अ सिंगल स्ट्रोक फॉर द प्रिंट हेड ऑफ हैमर। इट डज नॉट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर आर कैरेक्टर प्रिंटर्स। टूडे द प्रिंटर आर नॉट इन मच यूज ड्यू टू देयर लो स्पीड एंड बिकॉज ओनली द टेक्स्ट कैन बी प्रिंटेड। द कैरेक्टर प्रिंटर आर टू टाइप। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है या प्रिंट हेड या हथौड़े के सिंगल स्ट्रोक से प्रिंट करता है, या एक बार में एक लाइन को प्रिंट नहीं करता है। यह डॉट मैट्रिक और डेजी व्हील प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है। आज ये प्रिंटर अपनी कम गति के कारण उपयोग में नहीं आते क्योंकि ये केवल टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं। अब कैरेक्टर प्रिंटर क्या है, तो ये किसी भी चीज़ को सिंगल लाइन के थ्रू, स्ट्रोक के थ्रू क्या करते हैं, हेमर के थ्रू प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये किसी भी लाइन को, एक पूरी लाइन को एक बार में प्रिंट नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए इसकी गति भी क्या होती है, स्लो होती है, मतलब ये स्लो प्रोसेस करते हैं, इसलिए मार्केट में ये प्रिंटर ज़्यादा उपयोग में नहीं आते। ठीक है, देखिए अब ये देखिएगा प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर जो होते हैं में दो तरह से होते हैं, एक डेजी व्हील प्रिंटर और एक डॉट मैट्रिक प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर की एक और डेफिनेशन अगर मैं आपको बता दूं, तो कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट टू वन कैरेक्टर एट अ टाइम, मतलब ये एक ही कैरेक्टर को एक ही बार क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट
नहीं करते। नेक्स्ट होता है आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है, तो देखिए मैंने आपको दिखा रखा है ऊपर, जो किसी भी प्रिंट को का किस इमेज में प्रिंट करता है स्टूडेंट, डॉट के फॉर्मेट में ये डेटा को क्या करता है, प्रिंट करता है, जिसे हम कौन सा प्रिंटर बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्लियर। चलिए, इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर्स इन डॉट मैट्रिक प्रिंटर, दीज प्रिंटर आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर आइज ऑफ प्रिंट एंड इकोनॉमिकल प्राइस। इच कैरेक्टर प्रिंटर इज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न और डॉट एंड हेड कंसिस्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ प्रिंट ऑफ साइज इज 5x7, 7x9, 9x7 एंड 9x9 विच कम आउट टू फॉर्म्स अ कैरेक्टर विच इज वाई इट इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक प्रिंटर। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, डॉट मैट्रिक प्रिंटर बाजार में सबसे लोकप्रिय प्रिंटर में से एक डॉट मैट्रिक प्रिंटर है। ये प्रिंटर अपनी छपाई में आसानी और किफ़ायती कीमतों के कारण लोकप्रिय है। प्रत्येक मुद्रित प्रत्येक वर्ण डॉट्स के पैटर्न के रूप में होता है और शीर्ष से में के आकार में पिनों का एक मैट्रिक्स होता है, जो एक चरित्र बनाने कैरेक्टर बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या है, ये सबसे पॉपुलर प्रिंटर होता है इतने सारे प्रिंटर्स में से, जो कि हाई स्पीड देता है और इसकी जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर की कैपेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छे तरह के ये प्रिंट देता है, इसलिए मार्केट में डॉट मैट्रिक प्रिंटर ज़्यादा उपयोग में बच्चों आता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट अच्छे से डॉट मैट्रिक प्रिंटर। चलिए, अब हमने आपको डॉट मैट्रिक प्रिंटर बता दिया और उसका एक ड्रॉ भी बता दिया। आगे देखिए, अगर हम डॉट मैट्रिक प्रिंटर के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अब एडवांटेज क्या है, ये इनएक्सपेंसिव, मतलब ये कम एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अदर लैंग्वेज कैरेक्टर कैन बी प्रिंटेड और दूसरी लैंग्वेज के भी वर्ड्स को ये क्या कर देता है, प्रिंट करता है। डिसएडवांटेज है इसका ये कि स्लो स्पीड देता है और इसकी थोड़ी सी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी नहीं होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाली चीज समझ में आई, तो ये उसके क्या है, कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्लियर। चलिए, अब हम आपको डॉट मैट्रिक प्रिंटर का ड्रॉ दिखाते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या करता है, डॉट के फॉर्मेट में डेटा को प्रिंट करता है। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। चलिए, अब हम एक और टाइप के प्रिंटर की बात करते हैं, है ना, जो कि कैरेक्टर प्रिंटर का सेकेंड टाइप है। देखते हैं कैरेक्टर प्रिंटर का सेकेंड टाइप क्या है, इसे बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। अब डेजी व्हील क्या होता है, तो चलिए नाम से ही क्लियर है और आपको मैंने एक एग्जांपल में भी एक यहाँ पर आपको इसका ड्रॉ दे रखा है, ठीक है, ये काफ़ी पुराना ड्रॉ है। चलिए अब हम देखते हैं, हेड इज लेइंग ऑन द व्हील एंड प्रिंट्स करस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टर आर लाइक पेटल्स ऑफ डेजी फ्लावर विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डेजी व्हील प्रिंटर। दीज प्रिंटर आर जनरली यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग इन ऑफिस दैट रिक्वायर्ड अ फ्यू लेटर टू बी सेंट हेयर एंड देयर विथ वेरी नाइस क्वालिटी। डेजी व्हील सिर्फ एक पहिए पर खड़ा होता है और वर्णों के अनुसार पिन डेजी फूल की पंखड़ियों की तरह होती है, इसलिए इसे डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। ये प्रिंटर आमतौर पर कार्यालयों में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ इधर उधर भेजने के लिए कुछ पत्रों की आवश्यकता होती है। अब बच्चों हम आपको बता दें कि डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, तो इस नथिंग बट ये भी एक तरह का प्रिंट कैरेक्टर प्रिंटर का टाइप है। इसमें क्या होता है बच्चों, तो इसमें एक है ना क्या होता है, व्हील होता है, मतलब एक पहिया होता है जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं और ये फूल की पंखड़ियाँ मतलब सर्कल के अकॉर्डिंग डेटा को क्या करता है, प्रिंट करता है। ज़्यादातर ये ऑफिसेस में यूज़ किया जाता है, जब भी आप वर्ड चलाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कोई प्रिंट निकालना पड़ती है तो हम डेजी व्हील प्रिंटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए, तो ये आपका कौन सा प्रिंटर था, डेजी व्हील प्रिंटर। चलिए अब डेजी व्हील प्रिंटर के ही हम आपको क्या करते हैं, एक ड्रॉ दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एक सर्कल एक पहिया होता है, तो इस तरीके से डेजी व्हील प्रिंटर दिखाई देता है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके कुछ एडवांटेज देख लें, मोर रिलायबल
द DMP डॉट मैट्रिक प्रिंटर से रिलायबल होता है, बेटर क्वालिटी देता है, किससे, डॉट मैट्रिक प्रिंटर से। फॉन्ट और कैरेक्टर कैन बी ईजीली चेंज, इसकी मदद से हम फॉन्ट में और कैरेक्टर को ईजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो वर देन DMP, मतलब डॉट मैट्रिक प्रिंटर से भी क्या होता है, स्लो होता है, नॉइज़ आती है, मतलब आवाज़ निकालता है, मोर एक्सपेंसिव। अब ये क्या होता है, DMP से क्या होता है बच्चों, एक्सपेंसिव होता है। अब हम इसका एक और ड्रॉ आपको दिखा देते हैं, तो देखिए इस तरीके का डेसिबल प्रिंटर होता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट तरीके के प्रिंटर की डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटर इज लाइन प्रिंटर। क्लियर, नाम से दिख रहा है आपको, ऊपर इमेज भी दिख रही है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी एक वो देखते हैं डेफिनेशन। लाइन प्रिंटर विच इज ऑल्सो एज अ बार प्रिंटर प्रिंट्स वन लाइन एट अ टाइम। इट इज अ हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर एज इट कैन प्रिंट 500 to 300 लाइन्स पर मिनट। ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर आर एग्जाम्पल ऑफ लाइन प्रिंटर। हिंदी में देखें, फॉर हिंदी मीडियम, लाइन प्रिंटर जो बार प्रिंट के रूप में होते हैं, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, या एक हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर है क्योंकि यह प्रति मिनट 500 से 3000 लाइन प्रिंट कर सकता है। यह ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर लाइन प्रिंट के उदाहरण है। आप देखिए क्या होता है, हम समझाते हैं। तो लाइन प्रिंटर को ऑल्सो कॉल्ड अ बार प्रिंटर, इसे हम किस नाम से जानते हैं, बार प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। ये लाइन एट अ टाइम, मतलब एक पूरी लाइन को क्या करता है, एक ही बार में प्रिंट कर देता है। इसकी जो स्पीड होती है वो 500 to 3000 लाइन पर प्रिंट होती है। और इसी को हम चेन प्रिंटर के नाम से भी क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। और एक ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, चेन प्रिंटर का। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर में हमने आपको बताया था कि लाइन प्रिंटर टू टाइप के होते हैं, एक होता है ड्रम प्रिंटर और दूसरा क्या होता है, चेन प्रिंटर। क्लियर, तो चलिए देखते हैं, पहले ड्रम प्रिंटर को डिस्कस करेंगे, देन फिर चेन प्रिंटर को। ड्रम प्रिंटर नाम से ही क्लियर है बच्चों, जो कि किसके आकार का होता है, ड्रम के आकार का होता है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, दिस प्रिंटर इज लाइक अ ड्रम इन शेप्स, हेंस इट इज कॉल्ड ड्रम प्रिंटर। The surface of the drum is divided into a number of tracks. Total track are equal to the size of the paper. For a paper width of 132 character, drum will have 132 track. A character set is embossed on the character. Different character set available in the market are 48 character set, 64 and 96 character set. वन रोटेशन ऑफ ड्रम प्रिंटर वन लाइन ड्रम प्रिंटर आर फास्टर इन द स्पीड एंड कैन प्रिंट 300 to 2000 लाइन पर मिनट। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, तो ड्रम प्रिंटर भी बच्चों ड्रम के आकार का एक प्रिंटर होता है, ठीक है, हम हिंदी में समझाते जाते हैं। इस प्रिंट से हम क्या किस नाम से जानते हैं, ड्रम प्रिंटर के नाम से जानते हैं। प्रिंटर की सतह में कई पटरियां विभाजित होती है, मतलब प्रिंटर में बहुत सारे सरफेस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो टोटल सरफेस ऑफ द साइज जो होती है वो 132 कैरेक्टर की होती है, जिसमें क्या होते हैं, ट्रैक्स के माध्यम से डेटा क्या होता है, रिटर्न में लिखा जाता है, ठीक है। अब ड्रम प्रिंटर में क्या है, तो सेट ऑफ द कैरेक्टर ट्रैक इज 64 कैरेक्टर का भी होता है, 96 कैरेक्टर का भी होता है ना, जिसे हम कैरेक्टर सेट के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। ड्रम का एक घुमा एक पंक्ति को प्रिंटर कहते हैं। ड्रम प्रिंटर गति में तेज होते हैं और प्रति मिनट 300 to 2000 लाइन को प्रिंट करते हैं, मतलब एक मिनट के अंदर 300 से 2000 लाइन इसमें क्या होती है बच्चों, आसानी से क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रम प्रिंटर के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। क्लियर, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ड्रम प्रिंटर में आप देखें तो ये कुछ ड्रम प्रिंटर होता है, जिसमें आपको ABCD क्या है बच्चों लिखी हुई है, मतलब पूरे वर्ड्स लिखे है ना। ये सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, ये कार्बन की एक, इसमें थर्ड लेयर में रिबिन्स होती है, पेपर होता है और हेमर होता है, जिसकी मदद से क्या होता है, डेटा पेपर पे क्या होता है, प्रिंट होता है। तो ये इसकी कुछ वर्किंग का शॉर्ट ड्रॉ है जो मैंने आपको दिखाया। आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है ना, टफ दिया है, आप ये भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
क्लियर। चलिए आप देखिए ड्रम प्रिंटर के कुछ एडवांटेज। वेरी हाई स्पीड, मतलब ड्रम प्रिंटर क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड प्रोवाइड करता है। वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत एक्सपेंसिव होता है। कैरेक्टर फॉन्ट कैन नॉट बी चेंज, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर के फॉन्ट को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल फोटो दिखा देते हैं। तो ये क्या होता है, आपका ड्रम प्रिंटर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चेन प्रिंटर की। देखिए आपको लाइन से, नाम से तो समझ में आ रहा है चेन। ये देखिए मैंने एक ड्रॉ बनाया जो कि क्या करता है, चेन के माध्यम से डेटा को क्या करता है, प्रिंट करता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चेन प्रिंटर इज अ लाइन प्रिंटर दैट यूज अ रोटेटिंग चेन टू प्रिंट कैरेक्टर। द कैरेक्टर आर एम्बोज ऑन द सर्फेस ऑफ द चेन। द चेन रोटेट हॉरिजेंटली अराउंड अ सेट ऑफ हैमर्स। फॉर इच प्रिंटर लोकेशन वन हैमर इज प्रोवाइडेड। द टोटल नंबर ऑफ हैमर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पोजिशन। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो चेन प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है जो वर्ण को प्रिंट करने के लिए घूर्णन श्रृंखला का उपयोग करता है। पात्रों को श्रृंखला की सतह पर उकेरा गया है। श्रृंखला हथौड़ों के एक सेट के चारों ओर क्षैतिज रूप से घूमती है। प्रत्येक प्रिंट स्थान के लिए एक हथौड़ा प्रदान किया जाता है, यानी हथौड़ों कुल संख्या प्रिंट पदों की कुल संख्या के बराबर होती है। तो हैमर के ये चेन प्रिंटर को भी क्या कहते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। चेन प्रिंटर जो है वो एक तरह का लाइन प्रिंटर है जो कि क्या होता है, रोटेशन होता है चेन के अकॉर्डिंग, और पूरे सरफेस में एक बार चेन को हॉरिजेंटल वाइज राउंड करता है, जिससे आपका डेटा क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, जिसे हम कौन सा प्रिंटर बोलते हैं, चेन प्रिंटर। या आपको नीचे एक चेन प्रिंटर का मैंने और एग्जांपल दिया, एक क्लिक फोटो दिया। अब हम देखते हैं चेन प्रिंटर के कुछ एडवांटेज। तो क्या है, चेन कैरेक्टर फॉन्ट कैन इजीली बी चेंज्ड। कैरेक्टर के फॉन्ट तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी यूज इन अ सेम प्रिंटर। बहुत सारी लैंग्वेज को हम एक ही प्रिंटर से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज है कि जब ये डेटा प्रिंट करता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट होती है। देखिए हमने एक एग्जांपल में आपको इसकी वर्किंग भी समझाने की वो की है कि इस तरीके की एक चेन होती है बच्चों, और उसमें ब्लैक कलर की रिबिन्स होती है, और ये पेपर होता है, और हैमर के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके अंदर डेटा को प्रिंट करते हैं। आपकी बुक में काफ़ी कुछ टफ सा ड्रॉ दे रखा है, आप चाहें तो ये ड्रॉ को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, देखें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट यूजिंग द रिबन। द प्रिंटर प्रिंट अ कम्प्लीट पेज एट अ टाइम, दोज दे ऑल्सो कॉल्ड अ पेज प्रिंटर। अब नाम हम आपको समझाते हिंदी में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम पेज प्रिंटर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होती है, एक रिबन, इसमें क्या होती है बच्चों, एक रिबन होती है जो कम्प्लीट पेज को एट द टाइम क्या कर देती है, प्रिंट कर देती है, जिसको हम कौन सा प्रिंटर बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलिए अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ मैं आपको। जैसे फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा फास्ट होते हैं। दे आर नॉट, मतलब कम नॉइज देते, क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है। डिफरेंट साइज़ के फॉन्ट और डिफरेंट साइज़ की चीज़ों को क्या कर देते हैं, वो करते हैं, ठीक है, प्रिंट करते हैं। चलिए इसके आप एड देखिए कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरह का होता है ना। पहले लेज़र प्रिंटर, सॉरी तीन तरह के होते हैं, लेज़र प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, है ना। आपकी बुक में दो दे रखी, एक मैंने एक्स्ट्रा बताया। चलिए लेज़र प्रिंटर नाम से ही क्लियर है बच्चों, किस तरह से यूज़ करते हैं डेटा को, लेज़र के थ्रू। देखिए देयर आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर, दे आर लेजली लेज़र लाइट टू प्रोड्यूस द डॉट नीडेड टू फ्रॉम द कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड ऑन अ पेज। मतलब लेज़र, ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी लेज़र लाइट के थ्रू डॉट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और डेटा को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। क्लियर। जिसे हम कौन सा प्रिंटर बोलते हैं, तो इसे हम लेज़र प्रिंटर कहते हैं।
अब लेज़र प्रिंटर के मैं आपको बता दूँ, ये इस तरीके का आपको डिवाइस दिखता है जो सबसे ज़्यादा आजकल मार्केट में यूज़ होता है, जिसमें ग्रीन कलर की लाइट होती है। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज है, जैसे ये हाई स्पीड देता है, क्वालिटी अच्छी होती है, ग्राफिक्स भी अच्छा देता है और सारे चीज़ों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और मल्टीपल कॉपीज निकालने में थोड़ा सा वक्त लगाता है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर। नाम से क्लियर है स्टूडेंट, है ना, जो इंक के थ्रू डेटा को क्या करता है, प्रिंट करता है। इंजेक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट इंजेक्ट प्रिंटर बेस्ड ऑन द रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी, दे प्रिंट कैरेक्टर बाय स्मॉल ड्रॉप ऑन इंक ऑन टू द पेपर। इंजेक्ट प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विथ रिप्रेजेंटेबल फीचर्स। मतलब जो इंजेक्ट प्रिंटर होता है वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, जो न्यूली टेक्नोलॉजी है, द प्रिंटर कैरेक्टर स्मॉल डॉट ऑन टू द पेपर, मतलब जो इंक के थ्रू डेटा को क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, चलिए आप देखिए, हम आपको इंजेक्ट प्रिंटर दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है और इसके कुछ एडवांटेज है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी देता है, इजीली यहाँ से वहाँ रख सकते हैं, रिलायबल होता है ना, कॉस्ट थोड़ी हाई जाती है और ये लेज़र प्रिंटर की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, स्लो वर्क करता है। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम थर्मल प्रिंटर, जो कि आपकी बुक में नहीं है बट ये एक्स्ट्रा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। द थर्मल प्रिंटर इज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रो थर्मल प्रिंटर। थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर है, थर्मल वैक्स ट्रांसफर प्रिंटर, इट यूटिलाइज हीट टू पिंस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द इमेज ऑन अ पेपर। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर आर वाइडली यूज इन अ बैंकिंग, एयरलाइंस, है ना, ग्रॉसरी, इंटरटेनमेंट, रिटेल, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, फैक्स एंड कैलकुलेटर मशीन। अब देखिए हम बता दें कि थर्मल प्रिंटर को किसने किया था, तो जैक किल्बी ने, किल्बी ने क्या करा था, इसको इन्वेंट किया था। इसको हम इलेक्ट्रो थर्मल प्रिंटर के नाम से भी क्या जानते हैं, जो क्या करता है, वैक्स कर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, तो देखिए एयरलाइंस, बैंकिंग, ग्रॉसरी शॉप, इंडेक्स। आप थर्मल प्रिंटर का एक रियली एग्जांपल बताऊं तो जैसे आप बिल्स वगैरह निकालते हो ना शॉर्ट मशीन से, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो वो थर्मल प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं आपको एक और इमेज दिखाती हूँ थर्मल प्रिंटर की। देखिए थर्मल प्रिंटर कुछ इस तरह का होता है। क्लियर। अब इसके कुछ एडवांटेज है, तो लॉन्गर लाइफ बिकॉज दे आर फ्यू मूविंग पार्ट। इसको ये इसकी लाइफ क्या होती है, लॉन्ग होती है। क्वाइट ऑपरेशन, जल्दी से कोई भी चीज़ को कर सकता है। नो कॉस्ट फॉर लिंक और टोनर, मतलब ना इसमें इंक की ज़रूरत होती है ना कि टोनर की ज़रूरत होती है। अब इसके डिसएडवांटेज है कि इसकी पेपर एक्सपेंसिव आते हैं, है ना, पेपर है शॉर्ट सेल्फ लाइफ, पेपर की जो साइज़ भी होती है वो थोड़ी शॉर्ट होती है। इमेज जो आती है वो कम आती है, पुअर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और पेपर मस्ट बी शॉर्टेड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा पेपर का इसमें शॉर्टेज रहता है। क्लियर स्टूडेंट। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, थर्मल प्रिंटर के नाम से जानते हैं। और ये पोर्टेबल होते हैं, इसे हम कहीं भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों। ओके चलिए स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आज हमने जो भी पढ़ा प्रिंटर के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो एक और टाइप बचा हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है, उसके साथ हम क्या करेंगे, मिलेंगे। क्लियर बच्चों। ओके थैंक यू।